So hello, myself Devarga Chakraborty, and I hope that you are all doing good and welcome you all in this प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल नोटबुक. सो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है मैट्रिक्स. ठीक है, क्या है भाई, क्या है भाई, मैट्रिक्स. उसके आगे काम हो रहा है तो काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. काम चालू कर, अभी स्टार्ट कर भाई, स्टार्ट कर भाई. ठीक है, तो मैट्रिक्स हम लोग आज चालू करेंगे. ठीक है भाई, उसके आगे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना. तो बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है, वो सब बात को इधर लेने का नहीं. चल मैट्रिक्स शुरू करते हैं. मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स. व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, बट यू कैन ऑल्सो टेल दैट एलिमेंट्स. ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स. सो मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस उसका प्लूरल फॉर्म है. ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस. ठीक है, जो हॉराइजेंटल में आते हैं, मतलब ऐसे जो आते हैं, ठीक है, उसको कहलाता है क्या, बोल, रोज. ठीक है, और जो ऐसे आते हैं, जो एलिमेंट्स ऐसे आते हैं, उसको कहलाता है क्या भाई, कॉलम. ठीक है, कॉलम्स. ठीक है, तो मैट्रिक्स दिखते कैसे, जल देख मैट्रिक्स दिखते कैसे, चल देखते. तो कैसे दिखते हैं भाई मैट्रिक्स. सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो इधर रोज कितना है भाई और कॉलम्स कितना है. रोज मतलब जो तेरा हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो इधर देख सिर्फ दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिधर पर तेरा एलिमेंट्स होगा. ठीक है, तो रोज कितना है, दो, इधर दो रो है, और कॉलम कितना है भाई, एक दो तीन, वर्टिकल में तीन लाइंस आ रहा है, तो कॉलम कितना है, तीन. ठीक है, कॉलम कितना है, तीन. तो एक मैट्रिक्स का हुआ ऐसे दिखता है मैट्रिक्स, एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर एक डब्बा होता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होता है. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होता है. सपोज द एलिमेंट्स इज 1 2 3 4 5 6. ठीक है, एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर का मतलब क्या है. ऑर्डर का मतलब है एकदम पहले क्या आता है, रोज आता है, कितना रोज है, उसके बाद क्या आता है भाई, कॉलम्स आता है. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का रोज कितना है, दो, और कॉलम्स कितना है, तीन. सो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 by 3. कैसे, 2 by 3. ठीक है, दिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 3. अच्छा, अब 2 by 3 इसका मतलब, इसका एलिमेंट्स क्या होगा, इसका एलिमेंट्स क्या होगा, इसका एलिमेंट्स क्या होगा, देख 6. 2 into 3 = 6, एंड देख इसमें 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स है. तो आया समझ में, ऑर्डर क्या होता है, रोज क्या होता है,
कॉलम्स क्या होता है? इसमें जो एलिमेंट्स है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसको 1,1 भी बोल सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो इधर 1 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1,1th एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोल फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1,2th एलिमेंट। ऐसे 5 को क्या बोल सकते हैं? बोल सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 5 क्या होगा? 5 जो एलिमेंट है वो मतलब किस पोजीशन में है, हाँ किस पोजीशन में, वो है 2,2th एलिमेंट, ठीक है, 2,2th एलिमेंट, ठीक है। तो आया समझ में, व्हाट डू मीन बाय रोज, कॉलम्स, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स कैसे निकलता है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मतलब एलिमेंट का पोजीशन कैसे निकलता है, वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो भाई? हाँ भाई आ गया। अच्छा, इसके बाद ऑर्डर समझ में आ गया, रोस कॉलम एलिमेंट, अच्छा सब कुछ समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं। व्हाट आर द डिफाइंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो पहले आता है रो मैट्रिक्स का मतलब जिधर एक मैट्रिक्स होगा जिसके पास सिर्फ एक रो होगा, तो विच हैज द मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रोज। भाई नोट्स बना, ठीक है, ऐसे मुंह उठाकर मत चले आना, ठीक है, नोट्स बना, चल। रो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो, विच हैज ओनली क्या, 1 रो। एक एग्जांपल देख ले, एग्जांपल क्या है, ये एक तरह रो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही रो है। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा, कमेंट कर दो भाई, इसका ऑर्डर होगा पहले रो आते हैं, उसके बाद कितना कॉलम है, 3, ठीक है। सो ये 1/3 का मैट्रिक्स है, आया समझ में? अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम, ठीक है, विच हैज ओनली 1 कॉलम, ठीक है। मतलब कैसे दिखता है ये, ऐसे 1, 2, 3, इसमें देख वर्टिकली एक ही लाइन है, मतलब एक ही कॉलम होगा, ठीक है। तो इसमें देख एक ही कॉलम है, अच्छा इसका रो कितना है भाई, इसका रो है 3, 1, 2, 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3/1, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/1 है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1/3 है, ठीक है। एलिमेंट सेम है पर ये मैट्रिक्स जो अलग अलग है, ये एक है रो मैट्रिक्स, ठीक है, ये एक है कॉलम मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट सेम होने से वो मैट्रिक्स सेम नहीं होता, ऑर्डर में वो डिपेंड करता है, आया समझ में? मूविंग टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसका जो वीडियो हो रहा है, तो भाई हाँ वीडियो हो रहा है, चल मूविंग टू दी नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज नथिंग बट इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स विच will have same number of rows and columns. Matrix which will have same numbers of rows and columns. एक मैट्रिक्स है, उधर जितना नंबर रोज है उतना नंबर कॉलम्स है। तो सपोज
2, 3, 4, 5. ये एक तरह मैट्रिक्स है, ये तरह स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तरह क्या है? ये तरह स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसका जो रो है, इसका जो रो है वो दो है। इसका जो कॉलम है ये क्या है? ये भी दो है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 2x2 मैट्रिक्स। हाँ, इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 2x2 होता है। ठीक है, 3x3 होता है, 4x4 होता है, 4x5 नहीं होगा, 4x4 होता है, 6x6 होता है, 5x5 होता है, ऐसे करके करते 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 जो नंबर रोज आएगा वैसे ही तेरा कॉलम आएगा, जिधर रो दैट इज इक्वल टू कॉलम है। आया समझ में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? जिधर रो और कॉलम बराबर होता है। आया समझ में। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाला जो चीज है इसको कहलाता है डायगोनल एलिमेंट्स। सो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज ए दैट इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैं नाम दे इसका छोटा सा अच्छा सा नाम दिया ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 2 और 5। ठीक है, समझ में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिन मैट्रिक्स का सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा? 2x2, ठीक है, 3x3, 4x4, 1 by 1 भी हो सकता है, मतलब ये एक भी तरह मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी तरह क्या है? मैट्रिक्स है। आया समझ में। चलो, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आएगा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। उसको क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स भी कहलाता है। जीरो और नल मैट्रिक्स, ये क्या है? ये मैट्रिक्स क्या है? जिस मैट्रिक्स का अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो क्या है? जीरो। तो अबे यार, ये तेरा एक क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तेरा क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। ये तेरा क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1x1। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। इसका ऑर्डर क्या है भाई? 2x3। तो इच एंड एवरी ऑर्डर कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, देखा दो। चल, अब आते हैं व्हाट डू यू मीन बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नोट कर रहे तो भाई, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तेरा जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है तो धांसू हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट डू मीन बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सपोज ए इज अ मैट्रिक्स दैट इज आइडेंटिटी। सो जिसका डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। डायगोनल एलिमेंट्स है किसका? 1 है। डायगोनल एलिमेंट्स का है 1 है। सपोज बी इज अ मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है, और बाकी सब जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड बाकी सब एलिमेंट्स 0 होगा भाई। बाकी सब एलिमेंट्स 0 होगा एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? 1 होगा। तो सी मैट्रिक्स ले लिया 1 1 1 1, तो 0 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
आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, वो आई आई से डिनोट करता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करता है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग का पूरा खत्म हो चुका है, उसके बाद वीडियो हो रहे थे भाई 14 मिनट वीडियो का, ठीक है। उसके बाद हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझते चल, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगा, ठीक है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगा। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स 2 3 4 5, ठीक है,
2, 3, 4, 5 दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 2, 5, 4, 6 यू विल से दैट इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस मैट्रिक्स देन ए इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज 1, 2 का जो एलिमेंट है, बिकॉज 1, 2 का जो एलिमेंट है, 1, 2 का जो एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का एंड 1, 2 का जो एलिमेंट है बी मैट्रिक्स का इज नॉट सेम. मतलब ए मैट्रिक्स का जो 1, 2th एलिमेंट है, 1, 2th जो एलिमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू द बी मैट्रिक्स 1, 2th एलिमेंट. ठीक है, 1, 2th एलिमेंट. सिमिलरली 2, 2th जो एलिमेंट है वो भी आपस पे बराबर नहीं है. इधर 5 है और इधर 6 है, इधर 3 है और इधर क्या है 5 है. ठीक है, एक मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, एक मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, जब 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 ईच एंड एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए एंड ईच एंड एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल. ईच एंड एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए एंड ईच एंड एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी विल बी क्या भाई, इक्वल. तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा 1, 2, 3, 4 दैट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए एंड सपोज दिस इज मैट्रिक्स बी, सो ए दैट इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स. आया समझ में भाई, आया समझ में भाई, क्योंकि इसका 1, 1 का जो एलिमेंट होगा 2, 2 का एलिमेंट होगा. ठीक है, 1, 2 का जो एलिमेंट होगा एंड 2, 2 का जो एलिमेंट होगा वो सेम आएगा. ठीक है, बोथ द मैट्रिक्स. So, if I say xy that is equals to xy that is equals to minus 2, 6. ठीक है, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए एंड दिस इज मैट्रिक्स बी, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x का वैल्यू माइनस 2 आएगा एंड y का वैल्यू क्या आएगा भाई, 6 आएगा भाई. समझ में अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तब जाकर x का वैल्यू माइनस 2 आएगा एंड y का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा. वीडियो हो रहा है, हाँ सुंदर. हाँ समझ में, तब जाकर x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2 एंड y का वैल्यू क्या आएगा, 6. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी समझ में आ गया है. ठीक है, ठीक है, चल कुछ क्वेश्चन करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का. क्वेश्चंस करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज सिक्स एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. What are the possible orders it can have? So the matrix has six elements. Six elements है. इसका order क्या क्या हो सकता है? इसका order 1/6 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 6/1 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 2/3 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 3/2 भी हो सकता है भाई, कि नहीं हो सकता है. 2 और 3, 3 और 2 इक्वल नहीं होता है. इसमें रो का नंबर क्या है 2 और इसमें रो का नंबर क्या है 3, इसमें रो का नंबर क्या है 6, इसमें रो का नंबर क्या है 1. ठीक है, तो एक मैट्रिक्स में जब तरह 6 एलिमेंट्स होगा उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 into 6, 6 into 1, 2 into 3 and 3 into 2. आया समझ में, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है x plus 3y और इधर y, अच्छा 7 minus x और इधर 4, ये एक तरह मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल्स टू 4 minus 1, 0, 4.
फोर माइनस वन इट इज जीरो एंड इज फोर। तेरे को क्या निकालना होगा, तेरे को निकालना होगा एक्स एंड वाई का वैल्यू। तो देख भाई दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल विथ ईच अदर, ये जो दो मैट्रिक्स है ये आपस में इक्वल है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वन वन का जो एलिमेंट होगा ए मैट्रिक्स का वो सेम होगा वन वन का एलिमेंट बी मैट्रिक्स का। आया समझ में? मतलब ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इसमें से वो इसके साथ सेम होगा, ये वाला एलिमेंट इससे सेम होगा, ये वाला एलिमेंट इससे सेम होगा, ये वाला एलिमेंट इससे सेम होगा। आया समझ में कुछ? तो इधर से जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस वन। तो इधर से फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वी कैन से, वी कैन से y दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन, y दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड एंड x प्लस थ्री y दैट इज इक्वल्स टू फोर, x प्लस थ्री वाई दैट इज इक्वल्स टू फोर। आ समझ में? इधर y का वैल्यू पुट कर दे तो x माइनस वन मतलब माइनस थ्री दैट इज इक्वल्स टू फोर, तो x का क्या वैल्यू आएगा सेवन। तो x का वैल्यू आ रहा है सेवन एंड y का वैल्यू क्या आ रहा है भाई माइनस वन। आया समझ में कुछ? चल मूविंग टू दी नेक्स्ट सम, मूविंग टू दी नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम क्या है खुद से ट्राई करने का। x प्लस थ्री ठीक है फोर और इधर y माइनस फोर एक्स प्लस वाई, वाई माइनस फोर एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू फाइव फोर थ्री नाइन। चल शुरू कर, शुरू कर, शुरू कर, शुरू कर, शुरू कर। x एंड y का वैल्यू बता, पॉज कर, ट्राई कर, कमेंट कर, उसके बाद आना ठीक है। हुआ चला तो इधर देख ये वाला जो एलिमेंट होगा इसके साथ इक्वल होगा तो x प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू फाइव होगा, तो x का क्या वैल्यू आएगा दो आएगा ना, इसका वैल्यू क्या आएगा दो आएगा। और इधर से x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू नाइन, सो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू नाइन फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो x का वैल्यू दो है, दो प्लस वाई दैट इज इक्वल टू नाइन, वाई का वैल्यू क्या आएगा सेवन। सो x का वैल्यू दो और y का वैल्यू सेवन एंड वी आर डन इन दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न द ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन कैसे करता है, सब्सट्रैक्शन कैसे करता है एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद तेरा मैट्रिसेस धांसू हो जाएगा। टाटा टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।